नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में। आप किसी भी जगह से सुन रहे हो मुझे इस वीडियो में, इंडिया हो या फिर कोई दूसरा देश हो, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। आप सभी के लिए काफ़ी खास वीडियो रहेगा, इंडिया के लोगों के लिए तो खासकर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। दोस्तों आपको बता दूँ, आप लोगों के लिए एसएससी द्वारा स्टीनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी 2023 के अंदर हो रहे रिक्रूटमेंट के अंदर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ स्टीनोग्राफर और डिपार्टमेंट सिलेक्शन के लिए एक नोटिस आ चुका है। आप सभी को बता दूं, ऑप्शन कम प्रेफरेंस के लिए बहुत बड़ा अपडेट रहेगा इंडिया के सभी लोगों के लिए। हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, चंडीगढ़ या फिर मध्य प्रदेश या फिर कोई सी भी ऐसी जगह पूरे इंडिया में, किसी भी गली मोहल्ले का कैंडिडेट हो, कोई भी जगह का, पूरे इंडिया देश में, भारत देश का हर एक नागरिक जिसने भी ये फॉर्म भरा था इस रिक्रूटमेंट पे, आपको क्लियर करता चलूंगा। एक बार फ्लैशबैक में भी जाऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो काफी खास है इंडिया के सभी लोगों के लिए, आखिर तक जरूर देखना, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। खासकर जितने भी लोग एसएससी द्वारा रिक्रूटमेंट्स में जाते हैं इंडिया देश में, उनके लिए तो खासकर ये वीडियो खास रहेगा। आपको बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक बनाया गया एसएससी कमीशन है। एसएससी मींस ये होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो है करते क्या है, ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और स्टीनो, जेएचटी, इसके अलावा सीएपीएफ, सीआईएसएफ, पीएसएफ, आईटीबीपी के अंदर और अलग से कॉन्स्टेबल, जीडी और अलग अलग तरह के पोस्ट। आप देखोगे पूरे इंडिया देश में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी ऑफिस हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो इंडिया के अंदर, जिस समय पर भी जो भी गवर्नमेंट होगी, उनके द्वारा जितने भी पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज हैं, उसके अंदर ये तरह तरह की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट होती है, जिनके मैंने अभी नाम लिए। और इन सभी पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट कराने के लिए ये सीजीएल को सारा जिम्मा सौंपा गया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है सीजीएल भाई, एसएससी को जिम्मा सौंपा गया है कि एसएससी भाई रिस्पॉन्सिबल है, आप ही ऐसा कमीशन है भाई, आप लोग रिस्पॉन्सिबल इन सारे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करा के हमें एम्प्लॉयज देने के लिए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी ऑफिस पूरे इंडिया में। आप लोग देख रहे हो ऑलमोस्ट 80-90% सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज में ग्रेजुएट्स, 10th 12th पास्ट, 8th पास, 6th पास, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी तक के कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट इस तरीके से इंडिया देश में होती है। मैंने ये सब इसलिए बताया दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टीनोग्राफर उनमें से ही एक रिक्रूटमेंट है इंडिया देश के लिए, जिसमें आपको बता दूं 1207 वैकेंसीज दी गई थी इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर एसएससी है उनके द्वारा इस नोटिफिकेशन में कहा गया भाई विभागों में इतनी वैकेंसीज खाली हैं स्टीनोग्राफर की 1207, जो कि 23-24 यानी 2023-24 ईयर में रिक्रूट होंगी। अब 2024 का भी जल्द ही आप नोटिफिकेशन देखने वाले हो, 3 से 4 महीने के अंदर, मई से जून तक में आप लोग इसका नोटिफिकेशन जरूर अपने सामने देखोगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये जो 1207 वैकेंसीज थी, ठीक है, जो 1207 वैकेंसी दी गई थी, इसके लिए आपको बता दूं आपका ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है, जिसके रिगार्डिंग मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों को कैसे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाना है और किन लोगों को अप्लाई करना है, किन को नहीं करना। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए बहुत कम समय मिलता है, 2 से 3 दिन का ही समय मिलता है। इस चीज़ को जल्द से जल्द भर लेना अगर आपने पास कराया एग्ज़ाम, और अगर आप ये नहीं भरते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको अभी क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। चलिए, मैंने इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिया है, ऑप्शन फॉर्म का भी लिंक दिया है, वेबसाइट का भी दिया है, नोटिफिकेशन का भी दिया है, मैंने सारे लिंक वीडियो के नीचे दिए हैं लोगों को, जिससे कि वो सभी लोग देख सकते हैं। अभी सबसे पहले दोस्तों, आप जैसा अपनी वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आज का नोटिस है 30 जनवरी का, ये स्टीनोग्राफर ग्रेड सी और डी का आप देख रहे हो, फॉर एक्साइजिंग, मतलब कि वो अपना ऑप्शन दे दें कि आप लोगों को कौन कौन से जो है पोस्ट चाहिए, मतलब कि आपने स्टीनोग्राफर ग्रेड सी या डी में से कौन सा पोस्ट चाहिए, ये हो गया पहला, और कौन से विभाग में चाहिए वो आपको क्लियर करना पड़ेगा एक फॉर्म कर, ठीक है। जिन भी लोगों ने पास करा है, अभी आपको पता कैसे लगेगा कि आप लोगों ने पास कर लिया रिजल्ट या नहीं, इसका रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप लोगों को याद हो तो देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ये 25 तारीख को, 5 दिन पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ग्रेड सी और ये देखिए, ये तो दूसरा है आपका
ये LDC वाला, इसके भी पीछे आ गया था रिजल्ट, मतलब हो चुका है, समय हो गया है काफ़ी इसमें रिजल्ट आए हुए। आप देखोगे इसमें आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, काफ़ी पहले आपका रिजल्ट आ गया था ग्रेड सी और डी के स्टेनोग्राफर, ये सभी लोगों के लिए। LDCE वाली वैकेंसीज नहीं थी, नॉर्मल लोग जो आज के समय पर कहीं ना कहीं करेंटली जॉब कर रहे हों, नहीं भी कर रहे हों, बेरोजगार भी हों, तो उनके लिए वैकेंसीज थी जिनके पास क्वालिफिकेशंस इस पोस्ट के लिए थी। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ऑप्शन फॉर्म रहेगा वो भरना पड़ेगा, डिपार्टमेंट चुनने होंगे और पोस्ट सुनना होगा, आप चॉइस लेनी होगी कि आप लोगों को कौन सा पोस्ट चाहिए। आप अगर ये नहीं भरते हो तो आप रिक्रूटमेंट के लिस्ट से बाहर हो जाओगे। अभी तक जो रिजल्ट आपका आया है, जिन भी लोगों ने स्किल टेस्ट दे दिया है, प्लस इसके पीछे जो इसमें आपका जो रिटर्न एग्जाम रहा था, आपका जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहा, वो जिन भी लोगों ने दिया उन्होंने रिजल्ट देखा होगा, वीडियो देखा होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मानता हूँ चलिए आप लोग नहीं देख पाए, अभी जाकर देख लो वीडियो, वो उसमें मैंने आपके साथ सारा रिजल्ट पूरा डिस्कस किया है आपके साथ इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जो स्किल टेस्ट टेस्ट से पहले हुआ था, आपको याद होगा। अगर नहीं है तो आप लोग देख लो, और जो लोग नए हो वो लोग नोटिफिकेशन के बारे में भी वीडियो जाकर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी को लेने के लिए क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सैलरी क्या होती है, फीस क्या मिलती है, किन किन विभागों में वैकेंसी आती है, इंडिया देश में आप लोग कहाँ कहाँ इन वैकेंसी को ले सकते हो, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। इस वीडियो में हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपके पास नोटिस आ गया, ये नोटिफिकेशन ये आपके साथ डिस्कस हुआ था अगस्त मंथ में, डिस्कस हुआ था आपको याद हो तो, आज से आप देखोगे 6-7 महीने पहले इसको डिस्कस कर दिया था हमने। ये पूरा नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी आप देखोगे ना, ये जैसे ग्रेड सी की वैकेंसी बात करूँ, यहाँ अलग अलग में आती हैं, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अलग वैकेंसी आ जाती हैं, यही वैकेंसियों को ये एक तो विजिलेंस कमीशन के अंदर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में अलग लेते हैं। देखिए सब में ये अलग अलग विभागों को, अब ऐसा नहीं है स्टीनोग्राफर एक ही जगह पर चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में चाहिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में चाहिए, तो इतनी सारी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरे देश में अलग 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 ऑफिस में अपना जो भी काम कर रही है जगह जगह पे, उसके रिगार्डिंग वो लोगों को रिक्रूट तो करेगी ना भाई। तो जैसे कि स्टीनोग्राफर की रिक्रूटमेंट है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो किन किन ऑफिस में या डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसी थी, आप यहाँ से देख सकते हो। अब आप लोगों को करना क्या होगा, सपोज पहले आप लोगों को पोस्ट सिलेक्ट करना होगा कि मेरे को स्टीनोग्राफर ग्रेड डी का वैकेंसी चाहिए, फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रेफरेंस कि पहले मुझे अगर वैकेंसी मिले तो मुझे जॉब जो मिले वो BRO के अंदर मिले, बोर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में, या तो मुझे, और सेकंड ऑप्शन मेरे को CBDT में मिले, थर्ड आप दे सकते हो कि मेरे को यहाँ पर डॉप्ट में मिले, डॉप्ट डिपार्टमेंट ऑफ DOPT, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है। फॉर फिफ्थ प्रेफरेंस आप दे सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिले, आप लोगों को इस तरीके से देनी है, मतलब इतना आसान है दोस्तों। आप लोगों ने एग्जाम निकाला, आप प्रेफरेंस दोगे, आपके प्रेफरेंस के बिहाफ पर ही और आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए ही, आपके रिजल्ट को देखते हुए ही SSC आपको फिक्स करेगा कि आप लोगों को ये वाला विभाग में इस वैकेंसी को दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा होता है प्रोसेस, तो इस तरीके से आप लोगों को करना होगा। ये नोटिफिकेशन आपने समझ लिया, और ये हम आगे बढ़ते हैं, ये आज का नोटिस आप देख लो, ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस है, मतलब आप लोगों को ऑप्शन तो आप ऐसे ही कहने के लिए, बेसिकली प्रेफरेंस है ये कि आप लोगों को प्रेफरेंस देनी कि भाई मुझे पहले इस विभाग में चाहिए वैकेंसी, दूसरे नंबर पे इसमें, क्योंकि वो देखेंगे ना कि आप लोगों को कहाँ मिल सकती है वैकेंसी, उस तरीके से देंगे। जिन भी लोगों ने स्किल टेस्ट दिया था, मतलब जो भी लोग स्किल टेस्ट के लिए पास कर गए थे, उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ, 2023-24 वालों के लिए। देखिए जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपका जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था, जिसका नोटिस 2023 में पब्लिश हुआ था 2 अगस्त में, और इसका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड में रहता है, क्योंकि CV ये आपका स्टीनोग्राफरी के लिए हो रहा है, और 2023 वाला ये आपका 12 और 13 अक्टूबर में हो गया एग्जाम, और रिजल्ट इस पेपर वन का 24 नवंबर को आया था, मैंने आपको दिया था रिजल्ट, और साथ में कमीशन ने जो है कंडक्ट करा स्किल टेस्ट, और ये 3 और 4 जनवरी को इस साल में हो गया है। अब बिना फाइनल रिजल्ट देने से पहले अब सारे कैंडिडेट को ये बताया जा रहा है कि आप लोग जितने भी स्किल टेस्ट में गए थे, आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि आप लोग प्रेफरेंस फॉर्म भर दो कि किस ऑर्गेनाइजेशन में और कौन सा पोस्ट आप लोगों को लेना है, ग्रेड सी या डी, वो सब आप बता दो अपने कैंडिडेट, लॉगिन अपना फॉर्म अपना वेबसाइट SSC पर जाकर लॉगिन करो, अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डालकर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया, और उसके बाद वहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म का, उस पर जाकर अपने ऑर्गेनाइजेशंस बता दो कि किस ऑर्गेनाइजेशन में और किस पोस्ट को आपको लेना है। बेसिकली ये जो टाइम मिला है वो 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी, 4 दिन का समय रहेगा बस इसमें। 30 जनवरी तो हो गया आपका, सिर्फ 3 दिन का समय आपके पास इसके अंदर रहेगा, तो लोगों को शेयर कर देना, वो लोग समय से फॉर्म भर लें। देखिए इन्होंने ये भी कहा है, मान के चले कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाता है इस दिए गए समय,
समय में, तो उसका जो है फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, वो रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाएगा, उसको फाइनल रिजल्ट की लिस्ट में जब कट ऑफ आएगी और फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उसको नहीं डाला जाएगा, ठीक है, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो, भले ही आप पास क्यों ना हो स्किल टेस्ट में, इस चीज़ का लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कैंडिडेट जो भी स्किल टेस्ट में अपीयर हुए हैं उनको जरूरी है ये सब भरना, नहीं भरोगे तो आप लोग रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाओगे। और डिसेबिलिटी वाले जितने कैंडिडेट हैं उनको बता दूँ, डिसेबिलिटी वालों का ऐसा होता है कि आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से कुछ पोस्टों पर आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लोगों को चुनना है, पोस्टों का प्रेफरेंस चुनना होता है, चॉइस करनी होती है, तो आप लोगों की स्पेसिफिक रहता है कि आप इस विभाग में ही, मान लीजिए BRO के अंदर BRO वालों ने कहा कि हम डिसेबिलिटी में सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड वाले को ही, तो डिसेबिलिटी वाला अगर कैंडिडेट अगर प्रेफरेंस देगा, BRO प्रेफरेंस देगा, तो BRO देने से पहले वो याद रखे कि वो हियरिंग इम्पेयर्ड वाला ही दे सकता है। मान के चले उन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं रखा है अपने BRO वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और डिसेबल्ड वाले ने BRO को चूज़ कर लिया, अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको वैकेंसी तो मिलेगी नहीं, ये तो कन्फर्म्ड है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ दिया है कि आपकी वैकेंसी कहाँ कहाँ है, वो लोग आप पहले ही देख लो, और फिर भी आप लोग उसको चूज़ करते हो तो आप लोगों का फॉर्म तो कैंसिल होगा ही, आप रिक्रूटमेंट से भी बाहर हो जाओगे, इस चीज़ का याद रखना। देखिए, एज पर द प्रोविजन्स ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, देखिए इन्होंने बोला अगर आप गलत ले लेते हो, गलत पोस्ट और गलत ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लेते हो जबकि वो आपको मिलेगा भी नहीं, ये नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है कि किस डिसेबिलिटी वाले को कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पोस्ट मिलेगा, ये क्लियर बताया जाता है नोटिफिकेशन में। वो जो आपने अभी बड़ा सा नोटिफिकेशन देखा ये वाला, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि किस डिसेबिलिटी वाले को कौन सा पोस्ट और कौन से ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने का राइट रहेगा, वो किसको ले सकता है, कौन से डिसेबिलिटी वाला, सपोज किसी में लिखा है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड वाला ही जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिसेबिलिटी वाला उसी ऑर्गेनाइजेशन को ले सकता है जो उसके लिए फिक्स करे गए हैं, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप लोग रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाओगे। और एक चीज और बता दूं, रिइटरेटेड दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, आपको अलग से समय नहीं मिलेगा, यही समय फाइनल है, मान के चले इस डेट को चेंज करा गया, बढ़ाया गया, तो आपके लिए अच्छा फायदा हो जाएगा, नहीं बढ़ाई गई तो क्या करोगे आप, इसीलिए बोल रहा हूं आप लोग समय से इसको 2 फरवरी तक, उस 2 फरवरी वाला पूरा एंटायर डे आपके पास रहेगा, आप इस चीज़ को कर लो, ठीक है। ये आज का नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, और 1207 वैकेंसीज थी इसमें, मैं आपके साथ आऊँगा, पहले इधर इधर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने देखिए लॉगिन करा हुआ है, मेरा नाम और रजिस्ट्रेशन आईडी आ रखा है यहाँ पे, गो टू डैशबोर्ड पर जाऊँगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगा इस तरीके से, और आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है, ये देखिए, आप देख सकते हो यही, ये देखिए, ये तो LDCE का है, इसकी बात नहीं कर रहे हम, इसके पीछे आया था एक और रिक्रूटमेंट, थोड़ा और पीछे जाते हैं, देखिए देखिए बहुत पहले आया था, बहुत पहले, आप देखोगे ये देखिए इस वाले रिक्रूटमेंट में, आप देखोगे ये वाला रिक्रूटमेंट है, इसका फॉर्म आपने भर दिया होगा, ये मैं अभी लॉगिन पर हूँ अपने, मैंने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है SSC पे, इसलिए मैं लॉगिन कर पाया हूँ, तो मैं यहाँ पे इस बार आ रखा हूँ, इसी में आप देखोगे ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस, ये ऑप्शन अभी नहीं था, ये आज ही डाला गया है क्योंकि आपका प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है, आप इस पर क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा से मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन पेज चला गया है यहाँ पर, चलिए एक बार फिर से लॉगिन पर जाते हैं, आप देखिए यहाँ मैं ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म पे आता हूँ, मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, एग्ज़ाम देखिए अभी मेरे को ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसके लिए फॉर्म भरा ही नहीं, मेरे मेरे लॉगिन पे ये चीज़ नहीं आ रही है, आपको आ जाएगी है, फिर आप अपना बता देना स्टीनो ग्रेड सी और डी, एग्ज़ाम ईयर आप दे देना 2023 और सबमिट कर देना, और इस तरीके से आपके सामने प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेफरेंस डाल दो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन डालनी है सारियों को डाल दो प्रेफरेंस के हिसाब से, जितनी भी आपको एप्लीकेबल हो रही हैं, ठीक है, और पोस्ट भी डाल देना, और ये सब कर देना 2 फरवरी तक, उसके बाद आपका ये फाइनल रिजल्ट ये आपका पब्लिश कर देंगे, 15 फरवरी से पहले ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना फाइनल रिजल्ट, मैं आपके साथ तभी डिस्कस कर दूंगा, मेरे को उम्मीद है सारी जानकारी समझ आ गई होगी, प्रेस प्रेफरेंस फॉर्म जाकर भर लें सभी इंडिया के लोग, ये आपके लिए जानकारी थी, कोई डाउट रहा हो इस वीडियो में, कोई भी आपको प्रेफरेंस भरने के रिगार्डिंग कमेंट में बता दो, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर कर दो, इंडिया में खासकर, चलिए आपसे मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।